नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खबरों की शुरुआत करने से पहले ये नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा प्रशासनिक एकेडमी में राष्ट्रीय सेमिनार में हुए शामिल। नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने नगर एवं ग्राम निवेश और विकास प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा। और पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के वार्षिक अधिवेशन का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के साथ किए गए सभी वचनों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर विभाग ऐसी मांगों को विभागीय स्तर पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है जिन्हें कैबिनेट में पारित कराने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य भोपाल की पहचान है। भोपाल शहर के विकास के प्लान में इस बात का ध्यान रखा जाए कि शहर के प्राकृतिक सौंदर्य और अधिक निखार आए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने यह बात अर्बन डायलॉग्स रीइमेजिनिंग भोपाल पर संगोष्ठी में कही। इस दौरान जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल को नए मास्टर प्लान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भोपाल शहर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार का प्रमुख लक्ष्य विकास है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा के मद्देनजर शहर के प्राकृतिक सौंदर्य को दृष्टिगत रखते हुए नया मास्टर प्लान बनना आवश्यक हो गया है। मंगलवार को नर्मदा सेवा समाज ने नर्मदीय ब्राह्मण समाज द्वारा धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका मूल धर्म सेवा भाव है। उन्होंने कहा कि जब जब उन्हें अवसर मिला है उन्होंने बगैर किसी पक्षपात सेवा भाव से काम किया है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रयागराज कुंभ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सम्मान रवाना किया। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन को हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक कुणाल चौधरी, पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान, प्रदीप सक्सेना, ईश्वर सिंह चौहान और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि भोपाल, सीहोर और इंदौर, उज्जैन, देवास का अलग अलग मास्टर प्लान के साथ ही इन्हें मिलाकर व्यापक मास्टर प्लान भी बनाएं। आवश्यकता अनुसार प्लानर आउटसोर्स करें। मंत्री जयवर्धन सिंह नगर और ग्राम निवेश तथा विकास प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। भोपाल के ऋषिराज डेंटल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में पहुंचे श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश के हर सरकारी अस्पताल में दंत चिकित्सक और दंत शल्य विशेषज्ञ की पदस्थापना की जाएगी। श्रम विभाग के अधीन 5 अस्पतालों में भी अनिवार्य रूप से दंत डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टरों ने हाल ही में डिग्री हासिल की है उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर मानव धर्म का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा करने पर उन्हें अपने व्यवसाय में और अधिक दक्षता हासिल होगी। श्रम मंत्री ने स्नातक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।